उत्तर प्रदेश में रविवार को जारी कोरोना बुलेटिन में एक दिन में रिकॉर्ड 5,423 संक्रमित मरीज मिले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासनों को दिन में दो बार बैठक कर मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने रविवार को अनलॉक समीक्षा बैठक में कहा कि कोविड प्रभावित मरीजों को और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी जिला अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिन में दो बार बैठक करें। सुबह की बैठक अस्पताल में हो जबकि शाम की बैठक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में की जाए। बैठक में सामने आने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड चिकित्सालयों में तैनात चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स वार्ड में जाकर मरीजों का उपचार करें। उन्होंने प्रतिदिन 1,30,000 कोविड टेस्ट करने पर संतोष व्यक्त किया है और कहा कि प्रदेश में टेस्टिंग तथा कोविड अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाने के लिए अग्रिम रणनीति तैयार रहे। उन्होंने लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर आदि जिलों में संक्रमितों की संख्या को देखते हुए विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इन जिलों में संक्रमित लोगों की जीवन रक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित 5,423 नई मरीजों की पहचान हुई है, जबकि इस दौरान 4,318 पुराने मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इस अवधि में 59 मरीजों की मृत्यु भी हो गई है। राज्य में अब तक 1,35,613 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि 2,926 काल कवलित हुए हैं। राज्य में फिलहाल 49,242 मरीजों का इलाज चल रहा है। लखनऊ में बीते दिन 712, कानपुर में 320, वाराणसी में 242, गोरखपुर में 295 नए मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद में भी 116, गौतम बुद्ध में 79 और प्रयागराज में 266 मरीज मिले हैं। आधिकारिक सूत्रों से हमें पता चला है कि आज प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार 295 नए संक्रमण के मामले गोरखपुर में पुष्टि हुए हैं। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 7,303 हो गई है। अभी तक 1,162 मरीज स्वस्थ होने के बाद घर भी चले गए हैं। इनके अलावा बड़ी संख्या में संक्रमित अपने घर पर उपचार कराकर ठीक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि इलाज के दौरान अब तक 104 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 2,724 संक्रमित मरीजों को विभिन्न कोविड वार्डों में भर्ती कराकर उनका इलाज कराया जा रहा है। प्रयागराज में कोरोना वायरस का संक्रमण थम नहीं रहा है। रविवार को 238 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इसके बाद जिले में इनकी संख्या बढ़कर 7,217 हो गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीएस वाजपेयी ने बताया कि आज प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार 238 मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि घर पर रहकर 2,340 मरीज ठीक हो चुके हैं जबकि 1,811 एक्टिव मरीजों का उपचार शहर के विभिन्न कोविड अस्पतालों में चल रहा है। जौनपुर में रविवार को 44 और नए कोरोना संक्रमित मिलने के बाद जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 3,354 हो गई है। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि यहां आज जांच प्राप्त हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार 44 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि राहत की बात यह है कि संक्रमित 3,354 मरीजों में से अब तक 2,806 मरीज ठीक हो चुके हैं और घर जा चुके हैं। जिले में 43 संक्रमित मृत्यु हो चुकी है जबकि 505 पॉजिटिव मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। उन्होंने बताया कि बीते दिन 1290 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। अभी तक जिले में 72,336 सैंपल में से 69,040 की जांच रिपोर्ट मिली है जबकि 3,336 की रिपोर्टें आनी बाकी है।